गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप लोगों को आज हम काव्य का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, कबीरदास जी का। या देखिए कुछ पॉइंट्स जो है शॉर्ट में नोट किए हैं, देख लीजिए। पहले पहला पाठ आपका साखी है कबीरदास जी का। इनका जो है जन्म संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन यानी 1398 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काशी यानी बनारस जिले के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु जो है संवत 1575 यानी सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। आप लोग जानते हैं, पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि मगहर पहले एक भ्रम था, भ्रांति थी कि यहाँ पर कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है और जो मगहर में मरता है उसको नर्क प्राप्त होता है। कबीरदास चूंकि इन सब ढोंग पाखंड और जो इस तरह के आडंबर थे उसके खिलाफ थे, उसके विरोधी थे, इसलिए जब इनकी मृत्यु समीप आई तो यह जो है काशी आजीवन काशी रहे, लेकिन काशी छोड़ करके मगहर चले गए और 120 वर्ष की अवस्था में ये मगहर में ही अपने शरीर का परित्याग किया, अपना शरीर त्यागा। यानी उस जो भ्रम था लोगों का कि मगहर में मरने पर नर्क और काशी में मरने पर स्वर्ग, इस भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने काशी छोड़ करके अपना जो है देह का परित्याग मगहर में जाकर के किया। इनके गुरु रामानंद थे, ये हिंदू लोग मानते हैं कि इनके गुरु रामानंद थे, लेकिन मुस्लिम जो है इनको शेख तकी को मानते हैं कि इनके गुरु थे। इनकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी थी। इनकी जो पत्नी का नाम लोई था, जिससे इनके एक पुत्र और एक पुत्री यानी कमाल नाम का पुत्र और कमाली नाम की एक पुत्री जो है पैदा हुए। इनके माता पिता आप लोग पढ़े होंगे कि कबीरदास जी, इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लज्जा के भय से इनको जो है कबीरदास को लहरतारा नामक तालाब में फेंक दिया था, जहां पर नीरू और नीमा नाम के जो दुलाहे जो दो जुलाहे दंपति जो है इनको प्राप्त किए और इनका पालन पोषण किया। इस तरह से इनके माता पिता नीरू और नीमा हुए। इनकी रचना जो है श्याम सुंदर दास जी ने, यह बीजक नाम की जो इनकी रचना थी श्याम सुंदर दास जी ने इसको जो है काशीनाग में पचाड़ी सभा के तत्वाधान में जो है प्रकाशित करवाया था, जिसके तीन भाग थे साखी शबद और रमायणी। इस तरह से इनका संक्षिप्त परिचय था। इनके बारे में तमाम जो है भ्रांतियां हैं, तमाम इनके जन्म के संबंध में लोगों के तर्क हैं, लेकिन उतना समय नहीं है। आइए, आप लोग पढ़े भी होंगे संक्षिप्त में, आइए पढ़ते हैं हम लोग साखी कबीरदास जी का पहला देखते हैं। किताब आप लोग खोल लीजिए और पहला जो है कबीरदास का साखी देखिए। इसमें पहला इन्होंने लिखा है कि बलिहारी गुरुआ पड़े दवहाड़ी कह बात आ जिनी मानिस तय देवता करत न लागी बात। कबीरदास आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि कबीरदास जो है ये जो है गुरु को ही श्रेष्ठ मानते थे, ईश्वर से बड़ा गुरु को ही मानते थे, इसलिए यहाँ गुरु की यहाँ जो है देखिए वर्णन किया है कि बलिहारी, बलिहारी मतलब कृपा, गुरु माने गुरु की, आपड़े माने आपकी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे गुरु, आपकी कृपा से दव हाड़ी कह बात, दव हाड़ी मतलब हाड़ मांस से बना हुआ यह शरीर, दव हाड़ी कह बार मतलब ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, हे गुरु आपकी कृपा से जिन मानिस तय देवता, जिन माने जिसे, मानिस माने मनुष्य से, देवता मतलब देवत्व प्राप्त करने में करत न लागी बार, तनिक भी देर न लगी। अर्थात भाव यह होगा कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे गुरु, आपकी कृपा से यह हाड़ मांस का बना हुआ शरीर जिसे मनुष्य से देवत्व प्रदान करने में तनिक भी समय न लगा, अर्थात आपकी कृपा से यह जो है हाड़ मांस का शरीर जो है मनुष्य से देवत्व को प्राप्त हो जाता है या हो गया।
दूसरे पंक्त मतलब दूसरे दोहे में है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार आलोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनार। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं सतगुरु मतलब सच्चे गुरु की महिमा कृपा अनंत मतलब जिसका कोई अंत न हो, यानी सच्चे गुरु की जो कृपा है उसका कोई अंत नहीं है, अनंत किया उपगार और उस सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर अनंत जो है जिसका कोई अंत नहीं है इस प्रकार का उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया मतलब खोला है, और सच्चे गुरु ने इस संसार में अनेक लोगों के अनंत लोगों का लोचन मतलब नेत्र उघाड़िया मतलब खोला है, अनंत दिखावण हार और अनंत लोगों को दिखाया। कहने का तात्पर्य है, खोलने और दिखाने का तात्पर्य कि हमारे अंदर जो अज्ञानता थी उस अज्ञानता से हमारे नेत्र को खोला है और हमारे अंदर प्रकाश भर करके इस संसार का जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखाया है। तीसरे वाले में है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट आ पूरा किया विषामुरा बहुरी नावम भट्ट। इसमें भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि दीपक, दीपक का तात्पर्य यहाँ इस शरीर से है, दीपक दिया तेल भरी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु ने इस शरीर रूपी दीपक में स्नेह रूपी प्रेम रूपी तेल डाल दिया, बाती दई अघट और ज्ञान की न घटने वाली, अघट माने न घटने बत्ती जो है इसमें डाल दिया, जिसके प्रकाश से पूरा किया विषावड़ा, जिसके प्रकाश से विषावड़ा मतलब जीव, यह जीव जो है यह जीवात्मा जो है इस संसार से बहुरीन आवाहट यानी जो आवागमन का चक्र है उसको पूरा कर लिया और पुनः जो है बहुरी माने पुनः लौट करके न आवम हट, हट माने बाजार, यानी यह जो संसार रूपी बाजार है इसमें जीवात्मा पुनः जो है लौट करके वापस नहीं आने वाली है। भाव यह है कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु ने हमारे दीपक रूपी इस शरीर में स्नेह प्रेम का जो तेल डाल दिया और ज्ञान की न घटने वाली ऐसी बत्ती डाल दी जिसके प्रकाश से यह हमारा पूरा शरीर जो है प्रकाशित हो गया और जो आवागमन का इस संसार में चक्र है, इस बाजार में जो चक्र है इस संसार रूपी बाजार में वह जो है हमारा पूरा हो गया, अर्थात पुनः जो है हम इसमें लौट करके नहीं आने वाले, हमारा उद्धार हो गया। अगला है चौथा वाला कि बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमन अभेरा देख्या जर जरा उतरी पड़े फरंगी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बूढ़े थे, इस संसार रूपी मोह माया रूपी जो जाल है मोह माया का जो पास है इसमें हम फंसे हुए थे, करें बूढ़े थे डूबे हुए थे बूढ़े हुए थे परी परंतु उबरे मतलब उबर गए बच गए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु की कृपा से हम क्या हो गए, इस संसार रूपी भाव सागर से उबर गए बच गए। गुरु की लहरी चमक, गुरु की मतलब गुरु की लहरी चमक, लहरी माने ज्ञान की जो लहर आई चमक, उसकी चमक से हम क्या हो गए, इस मोह माया रूपी संसार में फंसे हुए थे डूबे हुए थे लेकिन हम उबर गए बच गए। निचले वाली पंक्ति में कह रहे हैं भेरा देखा जर जरा उतरी पड़े फरंग, भेरा भेरा देखा देखा जर जरा, भेरा माने नौका होता है, नाव देखा मतलब देखा, जर जरा मतलब टूटी फूटी आ उतरी पड़े फरंग मतलब जो हमारी जीवन की टूटी फूटी नौका थी गुरु के प्रकाश से गुरु की ज्ञान के प्रकाश से उतरी पड़े फरंग, हम इस मोह माया रूपी संसार रूपी भव सागर से पार उतर गए। अगला है चिंता तव हरि नाव की और न चिंता दास जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चिंता तव हरि नाव की, कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ किसकी चिंता है, सिर्फ ईश्वर के नाम की चिंता है, ईश्वर की चिंता है और न चिंता दास, और इस दास को और किसी की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और क्या कह रहे हैं जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास, और कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य जो भी प्राणी इस संसार में ईश्वर के बिना ईश्वर को याद नहीं करता, ईश्वर को स्मरण नहीं करता, उसको बता रहे हैं कि सोई काल की पास वह जो है काल, काल मतलब मृत्यु,
वह मृत्यु के पास होता है, समीप होता है। फिर से इसका भाव देख लीजिए, चिंता तब हरि नाव की। और चिंता दास कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दास को तो सिर्फ ईश्वर के नाम की चिंता है, ईश्वर की चिंता है, और इसे किसी प्रकार की परवाह या चिंता नहीं है। जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। और कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य ईश्वर के बिना इस संसार में जीवित रहता है, इस संसार में अन्य दूसरे को स्मरण करता है, सोई काल की पास वह जो है मृत्यु के समीप होता है। और अगला देखिए छठवां वाला, तू तू करता तू भया, मुझ मैं रही न हूं, आ बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। छठवें वाले में दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू तू करता तू भय, तू तू मतलब ईश्वर के नाम को बता रहे हैं कबीरदास जी कि मैं हे ईश्वर तुम्हारा नाम स्मरण करते करते, तुमको बुलाते बुलाते, तुमको पुकारते पुकारते तू भया, मतलब मैं तुम्हारे में ही विलीन हो गया, मुझ में रही न हूँ, हूँ मतलब अंधकार, मुझ में मतलब मेरे अंदर, न रही हूँ मतलब अहंकार, अर्थात मेरे अंदर अब किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहा या मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा, अब तो मेरा अस्तित्व तुम्हारे में ही विलीन हो गया। और क्या कह रहे हैं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। कह रहे हैं कि अब तो मैं जिधर भी देख रहा हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू, मतलब मेरी पूरी उम्र ही या मेरा पूरा जीवन ही तुम्हारे में ही विलीन हो गया, अब मैं जिधर देख रहा हूँ सिर्फ तू ही तू दिखाई दे रहा। अगला है सातवां वाला, कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जागे, आ जाके संत बिछुड़िया ताहे के संग लागे। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर सुता, सुता मने सोता हुआ, जो सोया हुआ है क्या करे, वह क्या कर सकता है। सोया हुआ का तात्पर्य है कि जो इस जीव इस संसार में आया लेकिन वह अपने शरीर का अस्तित्व नहीं समझ रहा है, उसको बता रहे हैं कबीरदास जी कि कबीर सुता क्या करे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह सोया हुआ मनुष्य क्या कर सकता है, काहे न देखे जागे। वह कह रहे हैं कि वह जग करके, अर्थात जो उसकी आत्मा या जो अज्ञानता उसके अंदर है उसको हटा करके क्यों नहीं देख रहा है, जाके संग तय बिछुड़िया ताहि के संग लागे। जो जिस ईश्वर को जिस परमात्मा को वह भूल करके इस मोह माया रूपी संसार में फंसा हुआ है, कह रहे हैं कि जाके संग तय बिछुड़िया, जिसके साथ वह बिछड़ा हुआ है अर्थात जिस ईश्वर को भूला हुआ है और मोह माया रूपी संसार में फंसा हुआ है, लास्ट में कह रहे हैं कि ताहि के संग लागे, उसको जो है उसी के साथ जाना है, उसी के साथ उसका अस्तित्व जो है साकार होना है। इस तरह से